hot music. Yeah. It's very beautiful morning. Yes, around 6 past 15 minutes. And it's raining. Yeah. Rain before and maybe it will rain again later. So it's so beautiful. My first time traveling early in the morning. How you are feeling, honey? It's very good. This time I'm so fresh, so I'm feeling good too. Right, I don't know. And now I am inside train railway station. This is high speed train, yani ke black train station hai. Or main yahan ja rahi hu wait karne. Half hour main waiting hai, then I will travel for 5 hours. तो यहाँ पर अच्छी अच्छी और बहुत ही प्यारी प्यारी शॉप्स बनी हुई हैं। अगर किसी की लॉन्ग टाइम वेटिंग है और कोई बोर हो रहा है तो दे कैन विजिट और डू शॉपिंग। दिस इज नाउ 6:30 इन द मॉर्निंग एंड ये गेट बने हुए हैं। तो हर ट्रेन का सेपरेट गेट है, बट आई चूज दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पर कोई नहीं है। और मेरा जो है जाने का गेट वो इस साइड है। तो ये बहुत साइड जो हैं गेट बने हुए हैं और यहाँ इस साइड इतनी रश नहीं है, बट जहाँ ट्रेन अभी यहाँ से नहीं जा रही है या इतने सारे पैसेंजर नहीं हैं, सो देयर्स वाट, बट इस साइड बहुत रश है और मैं भी नहीं बाद में जाऊँगी। देखें जी, दिस वन इज़ हाई स्पीड ट्रेन इन चाइना, जिसकी अबाउट 300 और 350 स्पीड है पर किलोमीटर। और ये इनसाइड व्यू है और इसकी सीट आप देखें जिस तरह एरोप्लेन की होती है, दैट्स सो कूल। जर्नी इज़ बिगिन नाउ। आफ्टर लॉन्ग टाइम अकेली ट्रैवलिंग कर रही थी, सो जस्ट सेल्फ इंजॉय था, बट आई वाज मिसिंग माय फैमिली। दिस वन इज़ आउटसाइड व्यू एंड रेन हो रही है यहाँ पर। अभी हम सेकंड स्टेशन के स्टॉप पर पहुँचे हैं एंड यहाँ जो हैं के स्टेशन बहुत ही बड़े बने हुए होते हैं। बहुत प्यारा व्यू आप देखें सुबह का। आई जस्ट लव माउंटेंस। और यहाँ शायद क्लाउडी वेदर हैं, दूसरे सिटी में हैं अब हम। लुक गाइस, कार्स कितनी डिसिप्लिन के साथ पार्क की हुई हैं और बहुत ही प्यारा सा व्यू मुझसे मिस हो गया, इन द लास्ट मोमेंट मैंने कैप्चर किया। एंड ये कम्युनिटी है यहाँ पर जो है, न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं और कुछ बनी हुई हैं, मे बी कुछ साल के बाद जो है यहाँ पर पॉपुलेशन और भी इंक्रीज हो जाए। सो दिस वन इज सिटी व्यू एंड लुक्स सो ब्यूटीफुल। पूरा सिटी का व्यू आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ भी आप देख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप जो हैं ये ट्रेन क्रॉस करती हैं, बहुत सारे स्टेशंस, दैट्स वाई। और बहुत ही प्यारा मज़े मज़े का व्यू था, जस्ट लव इट। हाँ जी, तो ये डिफरेंट रूट्स हैं ट्रेन के जो कि डिफरेंट सिटीज़ जाती हैं। एंड जो यहाँ पर जो है ना, देखें ये जो ट्रेन है उसकी जो जाने का रूट है वो ऊपर बना हुआ है। जो ऊपर बने हुए होते हैं रूट्स, दैट मीन्स कि वो हाई स्पीड के हैं। और उसी के जब नीचे एक और रूट बना हुआ होता है, दैट मीन्स वो नॉर्मल स्पीड ट्रेन के होते हैं। और इस ट्रेन में जो है जस्ट 5 मिनट्स आपके पास होते हैं, और उस 5 मिनट्स में भी ये ट्रेन जस्ट 5 मिनट्स रुकती है हर स्टॉप पे। जिन पैसेंजर्स को टेक ऑफ करना होता है वो टेक ऑफ करते हैं, जिनको आना होता है वो उसमें आते हैं। सो मतलब इतना जल्दी जल्दी उनको उतरना भी होता है और पैसेंजर्स आने वाले को आना भी होता है, जस्ट 5 मिनट्स। तो ये जो है बड़ा ही अच्छा है टाइम की पंचुअलिटी। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेन्स। कितनी प्यारी रेड कारपेट से डेकोरेट की हुई है, जिस तरह दुल्हन हो।
हाँ जी, तो फाइनली आई अराइव टू माई डेस्टिनेशन। एक्चुअली मैं यहाँ किसी इम्पोर्टेंट काम से आई थी जो नहीं हुआ, एंड मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोला गया है। सो आई विल स्टे देयर, और कल मॉर्निंग का टाइम मिला है। सो मैंने सोचा बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। और ये जो दरिया आप देख रहे हैं, ये रिवर, पहले हम जो है यहाँ पर नीचे वॉक करने जाते थे और ये पानी यहाँ तक नहीं होता था। अभी चाइना में कंटिन्यूसली रेनफॉल हुई है और उस रेनफॉल की वजह से यहाँ पर फ्लूड भी आया हुआ है, जिसकी वजह से ये रिवर भी अराइज हो गया है। अभी ये इवनिंग का टाइम है एंड यहाँ क्लाउडी सा वेदर है। होपफुली कि रेनफॉल होगी, बट हुई नहीं थी। सो यहाँ बहुत ही गर्मी, और इतनी गर्मी भी नहीं बट अजीब सा ही वेदर था। नाउ दिस इज़ सेकेंड डे मॉर्निंग, सो आई एम गोइंग बैक टू माई होम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही रश है। डोंट नो वाई इस स्टेशन पे क्यों इतनी रश है। और जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी यहाँ पर, जैसा कि आपको जो है अपना हेल्थ कोड शो करना है। हाँ जी, तो हमारी ट्रेन आ गई है एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर चेक इन। तो देखिए, आप लोग एलिवेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतने भारी भारी बैग्स भी उठा के जो है स्टेयर से जा रहे हैं, बिकॉज़ ये ट्रेन ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। सो हर कोई जल्दी जल्दी में ही जाने के लिए, और यहाँ जो है अपनी सीट एंड जो है बुकिंग नंबर सर्च करने के बाद जो है अंदर जाएंगे एंड देन देखते हैं। इस ट्रेन में लगता है बहुत रश है। फर्स्ट ट्रेन जो मेरी थी पहली वाली, उसमें मैं जब आई तो उस स्टेशन से रश नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है आते गए एंड रश बढ़ती गई। और हाँ, यहाँ से तो लग रहा है कि ट्रेन खाली है, पर नहीं, लोग आ रहे हैं। यहाँ देखें इनकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट। और ऊपर जो है यहाँ पर पोर्शन बने हुए, आपके जो बैग्स या सामान हैं आप रख सकते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड, आई फाइंड माय सीट। होपफुली जो है अच्छी कंपनी मुझे मिले, साइड में जो है कोई अच्छी सी हो, इंग्लिश स्पीकर। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकर जो है, खैर अब तो हो गए हैं, पर पहले जो है इतने ज़्यादा नहीं होते थे। एंड दिस इज़ व्हाट सो ब्यूटीफुल व्यू। मेरी ट्रेन जो है मॉर्निंग की मींस आफ्टरनून की थी, बट वो डिले हो गई, और इस तरह जो है मैंने बहुत ही लॉन्ग वेटिंग की आज। और आई एम टू टायर्ड, क्योंकि अगर पता होता कि ट्रेन डिले होने वाली है तो बंदा बाहर जाकर थोड़ा बहुत घूम लेता, बट पता नहीं था ट्रेन डिले होगी। सो सारा टाइम जो है स्टेशन पे ही स्पेंड है, वो टाइम भी जो है सेल्फ एंजॉयमेंट में स्पेंड हो गया, पता नहीं चला। एंड यहाँ देखे, थोड़ी थोड़ी सी भी जगह होती है तो ये लोग जो है ट्रीज ग्रो कर लेते हैं। ग्रीनरी कितनी है चाइना में, एंड माउंटेन्स, हर जगह आपको माउंटेन मिलेंगे। यहाँ मोस्टली जो है माउंटेनियस एरिया है। एंड अब जो है मेरे सारी फ़ोन हैंड फ्री एंड पावर बैंक सारे डेड हो गए। सो यहाँ पर चार्जिंग का सिस्टम था, आई वॉज चार्जिंग एंड मेकिंग सम वीडियोज़। ये नाइट व्यू, एंड नाइट व्यू में यहाँ पर कुछ खास नहीं, जस्ट लाइट ही नजर आ रही थी, शायद ये सिटी है। फाइनली आई अराइव बैक एंड हनी कैम टू रिसीव मी, एंड हनी डोंट नो वेयर आई एम। एक्चुअली आई नो वेयर ही इज, आई एम मेकिंग सीक्रेट नी वीडियो एंड हनी लुक्स वेरी वरी फॉर मी। लॉन्ग टाइम वेटिंग थी तो मैंने सेल्फ इंजॉय किया, आई जस्ट वेंट टू द कैफ़े एंड आइसक्रीम, एंड मैंने फ्रेंच फ्राइज लिए जो कि बहुत यमी भी थे एंड किल माई टाइम क्विकली।